सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके लिए मुंबई फेमस चटपटी चने चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, साथ में काफी हेल्दी होती है। इसे आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मैंने रात भर भिगोकर चने ले लिए हैं। इसे मैंने फुल नाइट छोड़ दिया था। 10 से 12 घंटे में चने अच्छे से फूल जाते हैं। चना फूल चुका है तो इसे मैंने अच्छे से धोकर कुकर में डाल लिया है और इसमें पानी डाल दिया है। अब साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक आलू भी इसमें डाल देंगे कि साथ में आलू भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि इस चाट में आलू का भी इस्तेमाल होता है। तो जब तक हमारा कुकर में सीटी आ रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में ले लिया है हल्दी पाउडर और ये है सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, गोलमिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। साथ में डाल दिया है एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज्यादा ले सकते हैं। एक चम्मच डाला है चाट मसाला और अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। तो बस ये मसाला जो है तैयार हो चुका है और कुकर में भी सीटी आ गई है। तो चलते हैं अब हम फ्राई करने चने को। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 1 से 1.5 चम्मच जितना सरसों का तेल, साथ में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके और 6 से 7 लहसुन है उसे भी ग्रेट करके ले लिया है। लहसुन और अदरक का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही अच्छा आता है और यदि ग्रेट करके डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए ग्रेट करके ही डालें। और अब यहाँ डाल दिया है मसाला जो हमने तैयार किया था। मसाले को अच्छे से ऑयल रिलीज करने तक फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। चने में भी हमने नमक डाल रखा है इसलिए थोड़ा कम ही डालें। मसाला अच्छे से भून गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे चने और जो आलू उबाला था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल दिया है। इस तरीके से जब चने फ्राई करते टाइम हम आलू डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आलू और चने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा इसे फ्राई करने में क्योंकि सारी चीजें पकी हुई है। तो अभी से मैंने एक बॉईल में निकाल लिया है और अभी ये ठंडा हो चुका है तो इसकी चाट बनाते हैं। आप चाहे तो उस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं लेकिन इसे हम चाट बना के और ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने खीरा ले लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, एक टमाटर है जिसे कि बारीक काट के ले लिया है, एक हरी मिर्च है उसे भी बारीक कट के डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और साथ में आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी चटपटी चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें नहीं डाला है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा नायलॉन से जिससे कि इसको देखने में और खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसे मैंने एकदम स्टेट स्टाइल ही सर्व किया है और देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। बहुत ही चटपटी सी चना चाट बनकर तैयार हुई है। कैसी लगी आपको मेरी चना चाट की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।